जम्मू एवं कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है और खासकर भाजपा कार्यकर्ता इस जश्न को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। इसी कड़ी में जिला कांगड़ा में विभिन्न स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी केंद्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले पर खुशी व्यक्त करते हुए मिठाइयां बांटी और पटाखे फोड़े। ज्वाली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगे के साथ मोदी सरकार के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संसद में धारा 370 और 35A के ऊपर दिए गए फैसले को स्वागत करते हुए कहा कि पूरा देश को एक होना चाहिए, देश में कोई भी ऐसी चीज नहीं हो जिसको देश के दो अलग अलग तरह से देखा जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पर जो भी निर्णय होगा वह देश हित में होगा और देश में लिए गए निर्णय का वह स्वागत करते हैं। इस अवसर पर ज्वाली के विधायक अर्जुन सिंह ने भी मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि जनता इस फैसले को सदियों तक याद रखेगी। सुनिए जम्मू कश्मीर के फैसले पर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश व विधायक ने क्या कहा। आज जो भारतीय संसद में केंद्रीय सरकार ने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है जम्मू कश्मीर से दो विधान, दो संविधान, दो निशान को समाप्त करने का तथा तो उसके साथ धारा 370 को समाप्त करने का, हम पूरे जोर शोर से आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके समस्त मंत्रिमंडल का दिल से धन्यवाद करते हैं और उनको बधाई देते हैं कि ये जो आपने आज ऐतिहासिक कदम उठाया है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। हम चाहेंगे कि श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री, इस देश के लगातार इस देश पर राज करें। आज भारत माता की जय ही मैं कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आवश्यकता है आज के जो हालात है, जो परिस्थिति है, और मैं देश के नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी को, प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, और उनके साथ गृहमंत्री अमित शाह जी को इस सारे बड़े जो है इनिशिएटिव के लिए बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। पूरा देश एक होना चाहिए और ऐसी कोई भी चीज़ देश के अंदर नहीं होनी चाहिए जिससे देश से उसको अलग तरह से देखा जाए। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो भी वो निर्णय लेंगे वो निर्णय देश ही। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।